गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम पढ़ रहे थे। ये मैंने आपको समझा दिया था थोड़ा कि तापीय प्रभाव हम किसे कहेंगे, जब कोई भी आवेश किसी तार में से गुजरता है तो अपनी रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है और वह तार गर्म हो जाता है, इसी को अपन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब बैटरी को किसी चालक तार से जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध तार में से प्रवाहित हो तो प्रतिरोध के कारण ये इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से टकराकर गतिज ऊर्जा को व्यय कर देते हैं। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, उनको गति करवाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी भी प्रतिरोध में से गुजरते हैं, किसी भी प्रतिरोध तार में से गुजरते हैं, तो अपनी ऊर्जा को वहां व्यय कर देते हैं, और जो व्यय ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है, जिसे तार गर्म हो जाता है, अर्थात सेल की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। सेल की जो रासायनिक ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, वो वह ऊर्जा किसको दे देता है, तार को दे देता है, और तार गर्म हो जाता है। ऐसे विद्युत परिपथ जिसमें स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है, क्षयित मतलब व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, इसे विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण कौन से हैं, विद्युत हीटर, विद्युत गीजर, गीजर में पानी गर्म होता है, ठीक है, रोड जो है पानी गर्म करने की रोड है उससे भी पानी गर्म होता है, विद्युत इस्त्री जिससे अपन प्रेस करता है वो विद्युत हीटर, ये जो है वो इसके उदाहरण है तापीय प्रभाव के। अब प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना, अब ऊष्मा उत्पन्न होती है ये तो अपन ने पता कर लिया, लेकिन उस ऊष्मा का मान कितना होगा उसका हमें सूत्र भी पता करना है। तो सूत्र अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, माना एक प्रतिरोध तार कैपिटल आर में क्यू आवेश t समय के लिए प्रवाहित होते हैं, जिससे तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर v है, अतः सेल द्वारा लिया गया कार्य w बराबर v गुणा क्यू, यहाँ पी नहीं है ये वी है, वी क्यू, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी गुणा क्यू, यहां पर वी गुणा क्यू, ठीक है, वी डब्ल्यू बराबर होता है वी क्यू, तो V बराबर क्या जाएगा W बटा Q, ठीक है, इस Q का इधर नीचे भाग लगा देंगे, लगाते हैं ना अपन, जो गुणा में राशि होती है उसको बराबर के दूसरी तरफ भाग लगा दिया जाता है, तो यहाँ V बराबर क्या जाएगा W बटा Q। ये सूत्र अपन ने विभव और विभवांतर का टॉपिक जब पढ़ा था वहां हमने ये सूत्र पढ़ा था। परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो तो W बराबर V गुणा Q, कैपिटल Q भी ले सकते हैं, V गुणा Q, V बराबर क्या होता है, ओम के नियमानुसार V गुणा होता है, V बराबर होता है IR, V बराबर
आई आर, तो वी की जगह हम क्या लिख देंगे, आई गुणा आर, और यह आ जाएगा क्यू। ठीक है, अब विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। ये सभी सूत्र अपन पीछे पढ़ चुके, आई बराबर होता है क्यू बटा टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई गुणा टी। इस आई को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू बराबर आई गुणा टी। इस क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, आई गुणा टी। ठीक है, तो ये क्यू बराबर आई टी। आई को आई से गुणा करेंगे, आई स्क्वायर आर टी, तो डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये किया गया कार्य, और यही किया गया कार्य क्या होगा, ऊष्मा के रूप में रूपांतरित होता है। तो ये सूत्र पता लग गया, इसी डब्ल्यू को अपन क्या लिख देंगे, एच, ऊष्मा को हीट, ऊष्मा को किससे व्यक्त किया जाता है, हीट से, तो इसको एच के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो दोबारा देखिए कैसे आया, डब्ल्यू बराबर वी गुणा क्यू होता है, ये कैसे आया, क्योंकि वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। ठीक है ना, विभव और विभवांतर की परिभाषा से, वी की जगह ओम के नियमानुसार आई आर, और क्यू की जगह आई गुणा टी। इस V की जगह भी मान रख देंगे और Q की जगह भी मान रख देंगे, V की जगह तो ओम के नियमानुसार और Q की जगह विद्युत धारा की परिभाषा से रख दिया मान दोनों का, I गुणा आर और I गुणा टी। ये क्या बन जाएगा, I को I से गुणा करेंगे तो I स्क्वायर आर टी। सेल द्वारा किया गया यही कार्य ऊष्मा के रूप में रूपांतरित होता है, अतः H H बराबर I स्क्वायर आर टी, ये ऊष्मा का सूत्र हुआ। समीकरण एक से स्पष्ट है कि ये समीकरण एक हमारे पास में प्राप्त हुई है। इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है, जो ये जो एच है, ये जो ऊष्मा है, ये किन किन बातों पर निर्भर कर रही है, देखो आई पर निर्भर करती है, आर पर निर्भर करती है, और समय टी पर निर्भर करती है, और तीनों के समानुपाती है। धारा के वर्ग के समानुपाती हुआ, मतलब हम जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करवाएंगे तार उतना ही ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करवाई जाएगी तार उतना ही ज्यादा गर्म होगा। दूसरी बात प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध अगर ज्यादा है, तार में रुकावट अगर ज्यादा है, तो भी जो तार है वो ज्यादा गर्म होगा। और तीसरा है समय, हम अगर ज्यादा समय के लिए धारा प्रवाहित करवाएंगे तब भी गर्म ज्यादा ज्यादा गर्म होगा वह जो प्रतिरोध तार है वो, और समय कम समय के लिए अगर अपन धारा प्रवाहित करवाते हैं तो भी ऊष्मा का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है वो धारा के वर्ग के समानुपाती, देखो यहाँ ये धारा दे रखी है ना, तो धारा के वर्ग के तो क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती कब होते हैं, जब ऊपर लेवल में लिखे रहते हैं, लेवल में लिखे रहेंगे सभी यूनिट तो वो समानुपाती होते हैं, और बटे में अगर है नीचे तो बटे वाली राशि क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तीनों के समानुपाती, तीनों ऊपर लिखे हुए हैं, देखो बराबर के ठीक सामने लिखे हुए हैं, तो ये समानुपाती है। समानुपाती का मतलब आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़े और एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि कम होती है, तो उसको अपन कहते हैं समानुपाती। ठीक है, तो यहां नंबर एक, उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, तो एच समानुपाती आई स्क्वायर। उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध आर के समानुपाती होती है, एच समानुपाती आर। उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय टी पर टी के भी समानुपाती होती है, तो एच समानुपाती टी। हमारे पास में तीन राशियां थी, देखो आई स्क्वायर था, आर था और टी था, तो हमने तीन बिंदु इसके लिख दिए। ठीक है, इन तीनों नियम, ये तीनों जो नियम हैं, ये जूल के तापन के नियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जूल के तापन के नियम। ये तीनों नियम, तीन जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, क्या
एच समानुपाती आई स्क्वायर, एच समानुपाती आर और एच समानुपाती टी, ये तीनों क्या है? जूल के तापन के नियम हैं। अगर जूल के तापन के नियम आते हैं तो आप केवल ये तीन बिंदु लिखोगे, सॉरी, ठीक है। अब आपके आता है विद्युत शक्ति। शक्ति का जो सूत्र है या शक्ति का जो, शक्ति की जो परिभाषा है वो क्या होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है। जैसे अपन ने कार्य बटा, कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है ना, उसी प्रकार शक्ति क्या होता है? कार्य बटे समय। ये जैसे जैसे सूत्र आपके सामने आते हैं वैसे वैसे आप सूत्रों को लिखते जाएं और इन्हें याद करते जाएं साथ साथ में। पीछे भी अपन ने उसके वेग के त्वरण के सूत्र पढ़े थे, नाइन्थ में भी हमने पढ़ रखे हैं वेग के त्वरण के सूत्र, टेंथ में भी आएंगे। तो जैसे जैसे कोई भी सूत्र आपके कंटिन्यू जो अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी सूत्र अगर आता है तो उसको आपको लिख लेना चाहिए। तो शक्ति का क्या सूत्र होता है? कार्य बटे समय, शक्ति बराबर। तो यहां अपन पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति अगर है तो यहां पर निश्चित रूप से आवेश आएगा, क्योंकि आवेश के बिना विद्युत नहीं होता, ठीक है ना। तो हम उसी परिभाषा को, सूत्र हमारा वही रहेगा। देखिए यहां पर नीचे शक्ति को पी के द्वारा व्यक्त करते हैं, कार्य को डब्लू से व्यक्त करते हैं, समय को टी से व्यक्त करते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य डब्लू बटे समय स्मॉल टी। लेकिन भाषा में क्या जाएगा कि विद्युत धारा प्रवाह करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य। तो इस उसी परिभाषा में हमें विद्युत धारा को जोड़ना है। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। प्रति सेकंड, देखो प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में, एक सेकंड में किया गया कार्य। नीचे समय राशि है, नीचे क्या है? समय। और समय को अपन क्या कर देते हैं? एकांक कर देते हैं। समय को जब एकांक कर दिया जाता है तो ऊपर वाली राशि के बराबर राशि प्राप्त होती है। ये भी मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जब किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है तो हम नीचे वाली जो राशि है उसको एकांक कर देते हैं, ठीक है। तो एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति के बराबर होता है। आगे संबंध में तो शक्ति की परिभाषा हम यहाँ लिख सकते हैं और इसका दूसरा रूप भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये अपन ने अभी अभी पढ़ाया है, पीछे देखो ये पढ़ा है ना, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ये क्या जाएगा? W की जगह आई स्क्वायर आर टी, तो W की जगह W का मान लगा दिया, T से T क्या होगा? कट जाएगा, तो क्या आएगा? P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर I स्क्वायर R, ठीक है। ये तो I और R के रूप में है। अब इसको अपन I और V के रूप में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? देखो I स्क्वायर लिखा है ना, I स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? I गुणा I लिख सकते हैं ना, I स्क्वायर को I गुणा I और ये R, ये I R क्या बन जाएगा? V। I R का मतलब क्या होता है? V, विभवांतर, ओम का नियम, ठीक है। तो P बराबर एक सूत्र और बन गया, क्या? V गुणा I, एक बन गया I स्क्वायर R, ये भी सूत्र है P का ही। ये किसके रूप में है? I और R के रूप में है, धारा और प्रतिरोध के रूप में है, ये धारा और विभवांतर के रूप में है। हम एक सूत्र और भी ज्ञात कर सकते हैं विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में, ठीक है ना। इसमें I और R आ रहा है, इसमें आई और वी आ रहा है, तो एक सूत्र और भी बन सकता है जिसमें वी और आर आए, ठीक है ना। उसमें आप किसको बदलोगे? इसको बदल दो, इस आई को बदल दो,
और आई की जगह क्या लिखोगे, वी बटे आर। आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर होता है ना, ओम के नियम में ही है सारा, वी बराबर आई गुणा आर, तो आई बराबर वी बटे आर। ठीक है, मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, और जूल बटे सेकंड भी होता है। जूल बटे सेकंड कैसे आएगा, कार्य का मात्रक क्या है, जूल, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो जूल बटे सेकंड भी होता है और इसका मात्रक वाट भी होता है। और बड़े मात्रक किलोवाट, किलोवाट के डब्ल्यू, किलोवाट को हम 1000 वाट भी लिखते हैं, 10 की घात 3 वाट। मेगावाट, मेगावाट आता है 10 की घात 6, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 जीरो लगा रखे ना, तो 10 की घात 6 वाट। अश्व शक्ति, ये अश्व शक्ति भी, हॉर्स पावर, ये भी शक्ति का ही मात्रक है, और कितना होता है, 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। तो मेगावाट अगर आ जाए तो आप 10 की घात 6 वाट लगाओगे, किलोवाट आ जाए तो आप 10 की घात 3 वाट लगाओगे, और अश्व शक्ति आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 746 वाट। समीकरण 1 से W बराबर क्या होता है, P गुणा T, W बराबर देखो P बराबर W बटे T है, तो W बराबर क्या जाएगा, P गुणा T, T को ऊपर गुणा कर दो, तो विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लो, क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, सभी बच्चे फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करेंगे और नोट्स भी करेंगे, जो मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये मैंने जो बना रखे हैं, ये सभी आप अपने नोटबुक में लिखोगे, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, ठीक है ना, और इतना याद भी नहीं रहता, तो आप ये सभी जो नोट्स हैं अपने नोटबुक में लिखोगे, ठीक है ना, नोटबुक में लिख कर जब भी आपको समय मिले आप इनको दोबारा पढ़ सकते हैं। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के फिर भूल जाओगे, जैसे 10वां लेसन मैंने दोबारा पढ़ाया देखो आपको, है ना, तो इसमें आप रिवीजन करोगे। 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र V बराबर होता है IR होता है ना, वी बराबर, वी बराबर आई आर, तो आर बराबर वी बटे आई बराबर, वी का मान कितना है, 5, बटे धारा का मान कितना है, 2, तो कितना जाएगा, 2.5 ओम, 2.5 ओम, तो हमारा आंसर क्या होगा, है 2.5, आगे समझ में, या पक्का है आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, प्रतिरोधकता निम्न में से किस बात पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता जो है वो किस बात पर निर्भर करती है, आप बता सकते हो क्या, प्रतिरोधकता रो जो मैंने बताया था, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ पर, ये गया आएगा चालक के पदार्थ पर, ठीक है। वोल्ट किसका मात्रक है, धारा का, धारा का तो एम्पियर होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक है ना, आवेश का कूलम, कार्य का जूल, तो वोल्ट किसका है, विभवांतर का।
किसी विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम में जब लगते हैं तो हम तुल्य प्रतिरोध याद करते हैं, तो क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 ओम 1 ओम से कम, 3 ओम से कम, 1 ओम से ज़्यादा, 3 ओम से ज़्यादा, तो 3 ओम से ज़्यादा, 6 क्या है, 3 ओम से ज़्यादा है। भारत में प्रत्यावर्तित धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। प्रत्यावर्तित धारा जो होती है, ऐसी जो धारा है उसका कितना होता है मान, 50 हर्ट्ज, यहाँ पर हर्ट्ज ये आएगा, टे ठीक है, तो इसका है आंसर होगा। तो आज आप इतने ये करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे इतने, अपने नोटबुक में नोट्स भी करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वीडियो देखोगे। तो आप अन्य सब्जेक्ट के देखते हैं तो आप साइंस के भी आपको देखने चाहिए, कम से कम सभी बच्चों के जो व्यूज हैं वो हर सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में तो कम से कम बराबर आने चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।